करहामाओं से जहां मोहम्मदाबाद गोहना तहसील अंतर्गत करहा बाजार में स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद सारा में 23वें रोजा पर कौमी एकता की मिसाल पेश करती हुई एक बड़ी इफ्तार दावत आयोजित हुई। इसमें आसपास और दूरदराज के रोजेदारों सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया तथा अपनी गंगा जमुनी तहजीब की सलामती के लिए दुआ में हाथ उठाए। बताते चले कि करहा की धरती बाबा घनश्याम साहब एवं समीप करहानी की है। वह पावन सरजमी है जहाँ पुराने समय से लेकर आज तक सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। विदेश हुए समय में विभिन्न कारणों से देश प्रदेश एवं जिला मुख्यालय में कई बार सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, लेकिन यहाँ के लोग इससे अछूते रहे। इसी तरह की मिसाल आज सारा मस्जिद की सहन में आयोजित इफ्तार पार्टी में देखने को मिली, जब लगभग 600 के करीब रोजेदारों सहित सर्व समाज के लोगों ने मिलकर इफ्तार का आनंद लिया। एक बार फिर करहा की इसी सामाजिक एकता को आइंदा भी कायम रखने के प्रति एकजुट दिखे। पाक रमजान का महीना खैर बरकत का है, जिसमें अल्लाह की रहमत रात और दिन बरसती रहती है। इस माह में जो शख्स रोजेदार को एक खजूर या एक घूट पानी पिलाए, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है और वह जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब हो जाता है। इसी मकसद से आज बाजार के युवा व्यवसायियों अशरफ कमाल, अखलाक अहमद, फरोग आलम, मोहम्मद जाहिद, महताब आलम, किशन गुप्ता आदि ने मिलकर मौलाना हाजी इनामुल हक की सरफरस्ती में इस दावत का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों के साथ महापुर चिड़िया कोट, मोहम्मदाबाद, गोहना, खैराबाद, जहरागंज, अतरारी आदि जगहों से रोजेदार एवं सभी समाज के व्यवसायी, पत्रकार, चिकित्सक, अध्यापक, खिलाड़ी, समाज सेवी, किसान एवं छात्रों ने भाग लिया। दावत में प्रमुख रूप से हाजी अब्दुल गफ्फर, शहजादे खान, संजय राय, मौलाना डॉक्टर अजीमुल्ला, डॉक्टर राजू, रविभूषण सिंह आदि ने हिस्सा लिया। करहामाओं से इनामुल हक की रिपोर्ट। दोबारा इनाम।